कहिए कैसे हैं आप। अगर बच्चे झगड़ा करें तो पेरेंट्स उनको समझाते हैं कि झगड़ा मत करो, पर अगर पेरेंट्स ही झगड़ा करें तो उनको कौन समझाएगा? आपस में पापा मम्मी झगड़े तो कौन समझाए? असल में क्या हुआ कि कल ना मैं जैसे नेट सर्च कर रही थी, फेसबुक देख रही थी, तो फेसबुक पे ना न्यूज फीड में एक वीडियो चल रही थी, तो बहुत छोटी सी बच्ची थी और उस पर लिखा हुआ था 6 साल की बच्ची है। तो एकदम से ना मेरा ध्यान चला गया उस वीडियो पे, तो वो वीडियो मेरे को मतलब अंदर तक जैसे होता ना हिला गई कि देखो क्या है। उसमें एक छोटी सी 6 साल की बच्ची अपील कर रही है अपनी मदर से, मतलब उसकी मदर को नहीं दिखाया पर वो सामने है और वो उनको बोल रही है। क्या बोल रही है कि आप और पापा दोस्तों की तरह क्यों नहीं रहते, मिलके क्यों नहीं रहते, और इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है पर आप मिलके रहो। मैं वीडियो देखते देखते ना बहुत ज्यादा टच्ड हो गई और मुझे एक कहानी याद आई जो मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, बहुत साल पहले लिखी थी, कुछ इसी के ऊपर थी बेस्ड की। चलिए आज वही सुनाती हूँ कि असल में क्या होता है कि ये चीजें ना बहुत पिंच करती हैं, खासकर जब पेरेंट्स झगड़ते हैं ना तो वो ये भूल जाते हैं कि बच्चे पे क्या असर पड़ता है इस बात का। मतलब वो अपना अपना ईगो होती है या जो भी होता है उनका, जो भी रीजंस होते हैं, पर वो बच्चे को भूल जाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए मैंने एक कहानी लिखी थी। तो कहानी कुछ ऐसे है कि आप इमेजिन कीजिए कि एक लड़की है 10 साल की और उसका नाम है मनी, और बहुत सिंपल सा साधारण सा उनका फैमिली है, परिवार है, पापा है, मम्मी है और वो अकेली लड़की है। तो स्कूल जाती है जैसे वो, तो ना क्लास में थोड़ा सा पिछड़ने लग गई वो, जैसे जितना अच्छा वो कर रही थी उतना अच्छा नहीं कर रही होती। तो उसकी जो क्लास टीचर होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, बहुत नाइस होती है। तो एक दिन उसको कॉमन रूम में ले जाती है, बोलती है मनी तुम इतना अच्छा कर रही हो, तुम रीजन बताओ मुझे क्या हो गया, तुम नंबर्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती। तो वो रोने लग जाती है। तो मैम पूछते हैं क्या हुआ, जैसे कंधा सहला के बहुत प्यार से वो बोलती है कि पापा मम्मी की बहुत लड़ाई होती है और मैं उससे बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मतलब रीजन नहीं मुझे पता पर दोनों आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, और अब इस बात पे लड़ाई हो रही है कि मैं किसके पास रहूंगी, मतलब मेरे को पापा रखेंगे या मम्मी, और मैं दोनों को साथ रखना चाहती हूँ, मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। और ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। अब टीचर उसको थोड़ा सा समझाती है और वो फिर क्लास में चले जाते हैं। 3 दिन बाद, इस बात के 3 दिन बाद क्या होता है कि अचानक स्कूल से मनी के घर में फोन जाता है कि उसकी तबीयत खराब हो गई, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंचो, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। पापा मम्मी मतलब जैसे घर पे मदर को पता लगता है, वो तुरंत अपने हस्बैंड को फोन करती है और दोनों भाग के हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्या हुआ तो वहां देखते हैं कि डॉक्टर जैसे उसका इलाज कर रहे थे, वो बोले कि ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, इसको चक्कर आ गए थे और इसको कंप्लीट रेस्ट चाहिए और प्यार चाहिए और अटेंशन चाहिए। तो फादर बोलते हैं कोई बात नहीं मैं छुट्टी ले लेता हूँ, और उन्होंने कहा कि ना आप मतलब इसका पूरा केयर करो, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो ये कुछ भी हो सकता है, एक्सट्रीम भी हो सकता है, ये तो टाइमली हॉस्पिटल ले आए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। वो एकदम से हैरान रह जाते हैं कि ये तो अच्छी खासी थी, उसको हुआ क्या, और आपस का दोनों झगड़ा भूल के ना उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। अच्छा 3-4 दिन तो वो आईसीयू में रहती है, हॉस्पिटल में रहती है, उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। डॉक्टर लिख के देता है कि भाई अगर यहाँ रहो तो पूरा इसको अटेंशन दो, और अगर इसको बाहर लेके जाना है तो आप बाहर भी लेके जा सकते हो, और इसका जो है ना जैसे हवा पानी इसका बदलना बहुत जरूरी है, मतलब चेंज के लिए इसको कहीं आउट ऑफ स्टेशन या हिल स्टेशन ले जाओ कहीं भी। बीच बीच में उनका झगड़ा तो होता रहता है पर ना वो उस चीज को इतना अहमियत नहीं देते, उन दोनों का कंसंट्रेशन ना बच्ची पे होता है कि बस ये मनी ठीक हो जाए किसी भी तरह से, और पूरा उसका ध्यान देते हैं। अच्छा इस बात को 1 महीना बीत जाता है और समय आगे चलता है और वो फिर एक दिन स्कूल जा रही है, मतलब 1.5 महीने के बाद वो स्कूल जा रही है। अब वो बहुत ठीक फील कर रही है, तो स्कूल पेरेंट्स दोनों ही उसको छोड़ने जाते हैं स्कूल में। तो जब वो स्कूल से उतर रही होती है तो क्लास टीचर वहीं बाहर ही खड़ी होती है गेट पे, वो मिल जाती है और वो मनी को लेकर अंदर चली जाती है और पेरेंट्स गाड़ी बैक कर लेते हैं। टीचर उसको क्लासरूम में ले जाने की बजाय ना कॉमन रूम में ले जाती है जहां पे उसने पहले भी बात की होती है, और वहां जब वो जाते हैं तो वहां पे बैठे होते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर उसको बोलते हैं तुम तो बहुत बड़ी हीरोइन निकली, इतनी तो मैंने सोचा भी नहीं था, मैं तो सोचा था मैं ही बहुत अच्छा हीरो हूं, तुमने तो कमाल कर दिया एक्टिंग में। अब क्या था एक्चुअली में क्या था कि उस दिन जब आपको याद होगा जब वो मनी अपनी टीचर को सारी बात बताती है अपने फैमिली के बारे में कि पापा मम्मी का झगड़ा होता है बहुत ज्यादा और अब ये बात हो रही है कि मैं किसके साथ रहूंगी, तो टीचर अपने हस्बैंड से डिस्कस करती है, और जो उनका हस्बैंड होते हैं ना वो डॉक्टर होते हैं।
तो वो एक प्लान बनाते हैं तीनों मिलके, मनी, मनी की क्लास टीचर और उसके हस्बैंड डॉक्टर। तो तीनों ये प्लान बनाते हैं कि ऐसे ऐसे बीमारी का नाटक करेंगे और उनको ना ठीक करने की कोशिश, क्योंकि डॉक्टर के ऊपर कोई शक तो करेगा नहीं, तो इसलिए हम ये सब प्लान बनाते हैं। पर वो इतना कामयाब होगा, इतना सक्सेसफुल होगा, तो अब टीचर बोलती है कि अब तो सब ठीक हो गया और अब क्यों नहीं हम आपके पापा मम्मी को बता देते कि हमने सब नाटक किया था। तो मनी एकदम से मना करती है, कहती प्लीज अब तो सब कुछ बहुत अच्छा होना शुरू हुआ है, कहीं ऐसे ना हो कि दोबारा हो जाए, और मैं दोनों को एक साथ देखना चाहती हूँ, मैं अलग देखना ही नहीं चाहती, मैं दोनों को ही बहुत प्यार करती हूँ और दोनों के बिना मैं रह नहीं सकती, और जिस दिन भी वो अलग हो गए मैं मर जाऊंगी। ये कहते कहते तो वो इमोशनल हो जाती है, जैसे मैं सुनाते सुनाते होगी। तो क्या होता है कि वो बोलती है मनी कि ये बात तो मेरे पेरेंट्स को कभी पता लगनी ही नहीं चाहिए। ये बात खत्म करती है और वो क्लासरूम में चले जाते हैं, टीचर क्लास टीचर और मनी क्लासरूम में चले जाते हैं। अब पता है क्या होता है कि ये बात पेरेंट्स को भी पता लग जाती है। असल में क्या होता है कि जब मनी क्लास टीचर के साथ अंदर चली जाती है तो वो गाड़ी पैक करने लगते हैं अपनी, तो एकदम से मदर का नजर पड़ती है, अरे टिफिन तो लंच बॉक्स तो मनी का गाड़ी में रह गया, तो वो फटाफट उतर के दोनों लंच देने आते हैं। तो वो देखते हैं दूर से कि मनी एक रूम के अंदर जा रही है, कॉमन रूम है मैम के साथ, तो वो भी पीछे पीछे चल जाते हैं। तो जैसे एंटर होने लगते हैं तो उनको लगता है कि ये तो आवाज सुनी हुई है, क्योंकि उनको तीनों की आवाज आ जाती है, डॉक्टर की, मैम की और मनी की, और वो मनी की सारी बात सुनते हैं। और वो ये भी सुनते हैं कि मनी ने ये कहा कि नहीं बताना नहीं है, क्योंकि मैं दोनों के साथ ही रहना चाहती हूँ, अगर दोनों को अलग होना पड़ा तो मैं भी मर जाऊंगी। ये बात सुन के दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमें इसने जो सबक सिखाया है ना, जो पाठ पढ़ाया है, वो हम हमेशा जिंदगी भर याद रखेंगे, और हम इसके सामने कभी लड़ाई नहीं करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि प्यार से रहें। तो ये तो थी कहानी, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। देखिए झगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं, झगड़ा होता है, पर पहली बात तो ये कि जल्दी से सुलझ जाना चाहिए। बच्चों के ऊपर बहुत असर पड़ता है, खासकर जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और लड़ते झगड़ते देखते हैं पेरेंट्स को, तो उनके मन में क्या फीलिंग चलती है मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम तो अपनी ईगो में रहते हैं, एक सेकंड नहीं लगाते हम ये कहने में कि हम तो मर जाएंगे या हम तो छोड़ के चले जाएंगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं रह सकती, मतलब एक सेकंड नहीं लगाते कहने में, और उस बच्चे का सोचा कि उसके मन में क्या फीलिंग चलती होगी। तो बच्चे के लिए सही, क्योंकि अगर आप नहीं सुधरे तो देखिए अब बच्चों को यह पहल करनी पड़ेगी। जैसे वो लड़की वीडियो में बोल रही थी, मैं आपको इसका लिंक भी दूंगी, आप जरूर देखेगा, कि एक लड़की वीडियो में अपने मदर को रिक्वेस्ट कर रही है कि साथ रहो, और ये कहानी यही सब देखते हुए, इस तरह का माहौल देखते हुए बहुत साल पहले मैंने लिखी थी कि किस तरह से क्या फीलिंग होती है और वो बच्चा कैसे सुधार देता है। तो ये तो थी कहानी, कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो कर लीजिए। बाय।